गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों को जो वीडियो सो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें मैं बताने वाली हूँ कि आप घर पे ही अपने फेवरेट कपड़ों को ड्राई क्लीन कैसे कर सकते हैं। जैसे कुछ कपड़े होते हैं जिनको हम हाथ से नहीं धुल सकते, उनको ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है, लेकिन हर बार ड्राई क्लीन करवाने जाना, फिर उसको लेके आना और उतने पैसे खर्च करने में कोई समझदारी नहीं है। और जैसे मैं आपको इस कुर्ते में दिखाती हूँ, इसमें मेंशन भी किया हुआ है कि इसको ड्राई क्लीन ही करवाना है। और ये ऐसा कपड़ा है कि अगर मैंने इसको घर पे ठीक से वॉश नहीं किया तो ये ख़राब हो जाएगा मेरा कुर्ता। तो आप देख सकते हो उसमें कि दिख रहा है ड्राई क्लीन ओनली। तो ये जो कपड़ा है, ये फैब्रिक जो जैसा है, इसमें केवल ड्राई क्लीन ही हो सकता है। तरह के जैसे पार्टी वेयर जो भी क्लोथ्स हैं, ज़्यादातर मैं अपने घर पे ही वॉश कर लेती हूँ। तो मैं अपना आइडिया आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से मैं घर पे ही अपने कपड़ों को जो ड्राई क्लीन वाले होते हैं उनको कैसे करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं अपनी वॉच को उतार लूँगी। वैसे तो ये वाटर प्रूफ है, पर फिर भी सेफर साइड, मैं ये रिस्क नहीं लूँगी। मैं लेने वाली हूँ ईजी। इसका छोटा पाउच भी 15-20 रुपए का मार्केट में इजीली मिल जाता है, तो थोड़ा सा बिल्कुल लूंगी क्योंकि ये मेरा एक ही कुर्ता है। जस्ट मैं वीडियो आपको बना के दिखा रही हूँ और मुझे धुलना भी था। थोड़ा सा इजी, बस 2 ड्रॉप मैंने डाला है, बस मैंने थोड़ा सा इजी डाला। आप चाहो तो इसे खाली इजी से भी धुल सकते हो, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ये लिक्विड एरियल, थोड़ा सा लिक्विड एरियल ऐड करूंगी, बिल्कुल ज़रा सा। इसका भी बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ऐड किया क्योंकि मेरा ये एक ही कुर्ता है इसलिए। और बस मैं इसको अच्छे से धो लूँगी। मैंने इसमें इजी डाल लिया है और इजी का जो पाउच है वो मार्केट में इजीली 15 से 20 रुपए में मिल जाता है, तो वो डाल लीजिए और आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डालिए। वैसे अगर जब भी आपको ड्राई क्लीन वाले कपड़े करने हो तो आप सिंगल सिंगल कपड़ा धोइए, जो भी मतलब जैसे मेरा एक कुर्ता है तो मैं इसको अकेले ही धोऊंगी। तो बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लिया था, बिल्कुल वो अब मैं इसमें डाल देती हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे हम, 1 ड्रॉप के जितना बस, और हम इसको अच्छे से घोल लेंगे पानी को। और जब भी हमें ड्राई क्लीन जो भी अपना कपड़ा करना है बिल्कुल उसको मलना नहीं है, सीधा सीधा हम इसको ऐसे सीधा कुर्ता करके इसको डालेंगे बस। अब कभी भी हमें इसको ऐसे करके ऐसे रब नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, नहीं तो हमारा जो भी कपड़ा है वो ख़राब हो जाएगा और ये जो इसके वर्क है वो भी ख़राब हो सकता है। तो जब भी हमने सिर्फ इसको ऐसे हम डालेंगे और इस तरह से ही 2 से 3 बार कर लेंगे और थोड़ी देर इसको इसमें इसी में ऐसे भीगने देंगे इसको। उसी देर हम इसी निरमे के पानी में डिप रहने देंगे। और सॉरी, मैंने निरमा नहीं डाला है, मैंने इजी और एरियल का लिक्विड यूज़ किया है। लेकिन जो होता है ना, एक आदत में होता है, बचपन से हम लोग इसको निरमा ही कहते हैं। मैं पता नहीं, मेरी ही आदत है या जैसे पता नहीं क्या, लेकिन मेरी आदत है, मैं हमेशा जब भी बोलूँगी ना तो बोलूँगी निरमे में डाला है, निरमे में डाला है। तो बचपन में जैसे मैं मम्मी यूज़ करती थी तो वो मेरे ज़ुबान पे ऐसी चीज़ बैठी है। मैं चाहे एरियल यूज़ करूँ, कुछ भी यूज़ करूँ, कोई भी डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करूँ, मैं निरमे का ही पानी बोलती हूँ उसको, तो आप समझ जाना। तो मैंने इसको निरमे में भिगो दिया है, ठीक है, और वो कर दिया। अब बस अब ये मेरा एटलीस्ट मैंने इसको 10 मिनट भिगा के छोड़ दिया है और इसको निकाल लेंगे। और निकालने के बाद डायरेक्टली इसको ना रगड़ना है ना कुछ, और सीधा एक साफ पानी के टब में डालेंगे, टब बकेट जो भी आप डालना चाहें। तो मैं इसको ले लूँगी इस टब को और यहाँ से इसको निकाल के सीधा इसमें, और बस हल्के हाथों से बस करूँगी मैं इस तरह से, आप देख रहे होंगे इस तरह से। अरे हल्के हाथों से करके, और इसका पानी मैंने चेंज कर लिया है, और मैं एक बार मैंने यूज़ किया है, एक बार मैंने और वाटर चेंज कर लिया है, उसके बाद ये दूसरे पानी में मैं डाल के बस अब इसको हैंगर पे सीधा ही टांग दूंगी। चाहे और इसको धूप में नहीं सुखाऊंगी मैं, थोड़ी सी छांव में इसको डालूंगी कि नहीं, क्योंकि अगर मैं निचोड़ूंगी तो ये कपड़ा ख़राब हो सकता है। तो बस मैं डायरेक्टली अब इसको हैंगर में लटका दूंगी, देख सकते हैं आप, और सूखने दूंगी इस तरह से। मैं हैंगर कर लिया है मैंने, तो मैंने अपने कुर्ते को हैंगर कर लिया है। अब मैं इसे छांव में टांग दूंगी
और टांगने के बाद जब सूख जाएगा तो इसे आयरन कर लूँगी। और आयरन भी मैं जब भी इस तरह के कपड़े में आयरन करती हूँ तो इसके ऊपर मैं एक पतली सी चुन्नी है मेरी वो डाल करके उसके ऊपर कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छे से कपड़े आयरन भी घर पे ही हो जाते हैं और जो हमारा वर्क होता है वो भी ख़राब नहीं होता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और घर पे ड्राई क्लीन जरूर एक बार ऐसे ड्राई क्लीन जरूर करिएगा, देखिएगा आपको कितना अच्छा लगेगा।